जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एजाज कोहली और आप जुड़ चुके हैं पीर पंजाल न्यूज़ के साथ। इस वक्त की हम एक खबर बता रहे हैं, सब डिविजनल मेंडर के गांव कोटा में है, जो शॉर्ट सर्किट की वजह से है जो आग लगी और घर का काफ़ी नुकसान हो चुका है, काफ़ी सामान है जो वो जल चुका है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ इलाके से नाज़मा कोसर जी जुड़ चुकी हैं। नाज़मा जी, क्या मामला, क्या हुआ ये पूरा? सर, आज तकरीबन 11 बजे, दिन के 11 बजे जब लाइट आई तो हमारे घर में लॉक लगा हुआ था, घर में कोई भी नहीं था, तो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हमारे घर में आग लगी। तकरीबन बहुत ज्यादा सामान जो है वो जल चुका है। हम इंतजामिया से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारी जो है कुछ ना कुछ मदद की जाए। है क्या, कौन, किसके घर में लगी है? क्या बताया जा रहा है कि बेवा औरत है, गरीब खानदान है, गरीब परिवार है, तो क्या क्या नाम क्या है पूरा? जी सर, हाँ, वो तो बेवा है, वो मेरी मामी है जी, लेकिन उनके पति का नाम था, जो उसका नाम है मोहम्मद महमूद खान। तकरीबन कितना नुकसान हुआ, क्या पूरा सामान कितना लॉस हुआ है? सर, उसमें कुछ कंबल थे, कुछ तकिए थे, तो बाकी ऐसे जो घर में चीजें रखी हुई, मिला जुला के काफी नुकसान हुआ है। लिहाजा क्या मांग करेंगे इंतजामिया से आप? सर, हम यही इंतजामिया से मांग करना चाहते हैं कि एक बेवा औरत की जो है वो मदद की जाए। तो हम बाकी क्या कहना चाहते हैं, कुछ नहीं कहना चाहते हैं, हम यही कहते हैं कि हमारा नुकसान का जो है हमें कुछ न कुछ इंसाफ दिया जाए। जी जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी हाँ नाज़रीन, आपने सुना कि एक बेवा औरत है जिसके घर में आग लगने से है जो उनका सामान सारा ज़ाया हो चुका है। इंतज़ामिया से भी रिक्वेस्ट है कि वो कम से कम मौके पे पहुंचकर इस तमाम चीज़ का मायना करें कि आखिर कितना नुकसान हुआ है, और इस बेवा औरत की है जो वो मदद की जाए। अभी के लिए बस इतना ही, फिर किसी और रिपोर्ट के साथ आपके सामने हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।